खोखले गोली की कोशिकाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओहो हो, किसके बाद बताएं? खोखले गोली कोशिकाओं में विद्युत क्षेत्र की। अच्छा, खोखले गोली कोश कैसा होगा देखना, गोली कोश कैसा होगा इस तरीके से, खोखला है तो इस पर आवेश कहाँ पर होगा बताओ, इसके पृष्ठ पर होगा खाली, कहाँ पर होगा भाई, या और कहीं हो सकता है? पृष्ठ पर होगा क्या खाली? इस पर टोटल आवेश मान लो कितना है, क्यू। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, हाँ। अब तीन जगह वो डेरिवेशन अपने से पूछ सकता है, कितनी जगह? खोखले के अंदर, खोखले के बाहर और खोखले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर गोले के पृष्ठ पर, फिर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। डेरिवेशन एक ही है ना। अच्छा, माना पहली कंडीशन ले रहे हैं, जब बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो, जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, इस बिंदु पर क्या निकालना है मुझे विद्युत क्षेत्र की, किसके नियम से निकालेंगे, गाउस के नियम से। तो इसमें दिशा विशा निकालने की जरूरत नहीं है, दिशा और परिमाण उन दो में निकालते थे, इसमें सीधे निकालेंगे, प्लस की वजह से तो बाहर की तरफ होगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले गाउसी प्रश्न लेना पड़ेगा, तो गोले के ऊपर एक बड़ा गोला बना दें जो कौन से बिंदु से पास होता है वो बताओ। तो अब देखो मैं आप बना लेना सही से है ना, ये मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो पी को छोटा कर देते ना, पी को छोटा कर देते हैं। देखो ये लड़के ने लगाया दिमाग, देखो देखो ये पी और ये क्या बन गया, इस तरीके से आप बना, ये क्या बन गया हमारी एक गौसीय प्रास्ट, क्या बन गया गौसीय, इस पर क्या निकालना है क्षेत्र की तीव्रता। तो गाउस के नियम से क्या लिखेंगे बताओ, गाउस के नियम से E.ds बराबर की अपॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है। अब बताओ प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर निकालनी है, तो पी पर छोटा क्षेत्रफल ले लेंगे हम, क्या ले लिया ds, किधर होगा बताओ, ये बाहर की तरफ होगा, और इस पर विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा बोलो, बाहर की तरफ होगा, क्यों होगा, किस किस के समझ में नहीं आया, प्लस है तो बाहर की तरफ होगा, नहीं होगा। E.ds तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, जीरो, यानी ये से लिख दूं मैं ई डी एस को जीरो बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ई को बाहर निकाल लेंगे, समाकलन डी एस बराबर, बताओ डी एस कितना आएगा, देखो डी एस छोटा सा टुकड़ा लिया है, समाकलन का मतलब है डी एस 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 डी एस, पूरे गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr। अच्छा r छोटा आएगा या बड़ा आएगा, छोटा r आएगा, यहाँ ध्यान रखना है, बात आ गई बेटा समझ में। तो ds की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, 4πr² q अपॉन, आ गई बात समझ में, सिग्मा क्यू मान लो इस पर, टोटल आवेश क्यू मान लो मैं, टोटल आवेश कितना मान लो, तो सिग्मा क्यू की जगह मैं बड़ा क्यू लिख दूँ, कोई दिक्कत है किसी को, क्या निकालना है मुझे विद्युत क्षेत्र, क्या निकालना है, तो ई निकल गया, बस इसको कहाँ ले जाऊँ मैं, नीचे, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4πr² नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट, अरे 4πr² एप्सिलॉन नॉट तो k बन गया, नहीं बना के k बराबर 1/4πε0 बन गया ना भाई, के ओहो के क्यू अपॉन, अरे ये तो वही है, ये तो वही है, देखो वो आ गया, आ गया नहीं, आ गया हुआ नहीं हुआ, तुमने अगर पहले से पढ़ रहे हो तो देखो वो आ गया, कौन आ गया, अरे क्यू आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता था, इतना ही होता है। इसका मतलब ये गोला गोला नहीं, ये गोला किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव कर रहा है, समझ में आया नहीं आया, यानी पूरा का पूरा आवेश इसके केंद्र पर निहित हो गया हो, गोलीय पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन, ये कौन सा फॉर्म है इसका, अदिश रूप, सदिश लिखना है तो बताओ कैसे लिखूंगा मैं, आर के क्या लगा दूंगा भाई, बहुत आसान है, बहुत ईजी, बता दो किस किस के नहीं आया समझ में, इससे हल्का हो सकता है कुछ, अब कहाँ पर निकालेंगे बोलो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, पृष्ठ पर, यहाँ पर बिंदु P स्थित है, तो क्या यही गाउसीय सरफेस होगी, गाउसीय पृष्ठ ही होगी,
इस बार स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा बताओ, कैपिटल आर के। स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, तो जहाँ जहाँ स्मॉल आर देखे वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या कर दूंगा, यानी यहाँ पर क्या कर दूंगा, यानी आ गई भाई बात समझ में नहीं आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ निकालेंगे, अंदर। कहाँ निकालेंगे, गोले के अगर उसने गोले के अंदर तुमसे पूछ लिया तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, देखो देखो जल्दी देखो फटाफट से, आप कहाँ निकाल लो बताओ गोले के। अब भाई बिंदु पी को कहाँ पे ले गए हम, गोले के अंदर। मैंने यहाँ रख दिया बिंदु पी को जो गोले के अंदर स्थित है, ये केंद्र से आर दूरी पर है। माना एक गोला, थ्योरी कैसे लिखनी है, माना एक गोला जिस पर, माना एक गोला जिस पर आवेश कितना है क्यू, जिस पर कितना आवेश है तथा इसकी त्रिज्या आर है। इससे बाहर बिंदु पी स्थित है तो वो वाली सिचुएशन लिख देंगे। फिर बिंदु पी पृष्ठ पर है, आप कौन सी निकाल रहे हैं तीसरी, जब बिंदु पी गोले के अंदर स्थित है। तो गाउसी पृष्ठ कैसी लेनी पड़ेगी बोलो, इस बिंदु से पास होनी चाहिए, छोटा गोला बना दो, सूत्र लगाओ EDS बराबर क्यू अपॉन। अब देखो मजे की बात, गोले के अंदर कितना आवेश है बताओ, गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश है क्या, नहीं है। अरे आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, खत्म खत्म डेरिवेशन। आगे बात समझ में, ये डेरिवेशन थे सारे हो चुके हैं कंप्लीट, इनसे बाहर नहीं आया कुछ भी, इनसे बाहर नहीं आया कुछ भी। लाइक करो तो लाइक मत करो, लाइक ही नहीं कह रहा, लाइक करो मत करो, लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, अपना काम करो, कॉपी निकालो, पेन लिखो, ये चल जाओ, कमेंट कर भी चल जाना, मेहनत बहुत लगी है लेकिन यार कर देना कर देना कर देना।